सब कुछ छोड़कर चली, क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। बाजीराव मस्तानी का ये डायलॉग आज दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के जीवन पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि दोनों नवंबर के दूसरे सप्ताह में शादी करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज के बॉलीवुड फ्लैशबैक में मैं बात कर रही हूँ अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। करीब 6 साल तक एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार रहने के बाद दोनों ने आधिकारिक तौर पर शादी का ऐलान कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पे दोनों ने ऐलान किया है कि वो परिवार की रजामंदी से 14 और 15 तारीख में साथ फेरे ले लेंगे। इस ऐलान के बाद से हर किसी के जवाब पे एक ही सवाल है कि आखिरकार ये प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई। खुद एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर ने बताया है कि उन्होंने पहली बार दीपिका को एक एड के दौरान देखा था। ये एड उन्होंने खुद टीवी पे देखा था और इसी दौरान उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था और वो समझ गए थे यही वो दीपिका पादुकोण हैं। शायद उस वक्त उन्हें भी नहीं पता होगा कभी यही भविष्य में उनकी जीवन साथी बनेगी। इसके बाद उनका दीपिका से आमना सामना हुआ था एक रेस्टोरेंट में। कहते हैं जब दीपिका से रणवीर का पहली बार आमना सामना हुआ था, उस वक्त रणवीर अपनी फैमिली के साथ वहाँ डिनर पे आए थे और दीपिका कुछ अपने दोस्तों के साथ वहाँ आई हुई थी। उस वक्त रणवीर दीपिका को देखते ही पूरी तरह से फ्लैट हो गए थे। जब रणवीर ने अपने पेरेंट्स को बताया कि देख रहे हैं ये सामने दीपिका है, तो उनके घर वालों ने उनसे कहा जाओ बात करो। रणवीर इतने भौचक्के थे कि बहुत ही मुश्किल से जाके उन्होंने दीपिका को हेलो बोला, लेकिन उस वक्त वो उनके मुंह में कुछ होने के कारण, यानी कि वो कुछ खा रहे थे जिस कारण से वो सही से दीपिका से बात नहीं कर पाए थे। इस बात का खुलासा भी खुद रणवीर ने ही किया है। उनका कहना है कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत गंदा था, यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो लड़कियों पे बहुत अच्छा पड़ना चाहिए वो रणवीर का दीपिका के ऊपर बहुत ही गंदा पड़ा था। इसके बाद दोनों ही काफी समय तक एक दूसरे से नहीं मिले। वही रणवीर अपने करियर की शुरुआत बैंड बाजा बारात से कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दीपिका अपने करियर को संवारने में लगी हुई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई 2013 में आई फिल्म रामलीला के सेट पे। तब तक दीपिका एक फेमस स्टार बन चुकी थी और रणवीर सिंह भी फैंस के दिलों में राज करना शुरू कर चुके थे। ये वो वक्त था जब दीपिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, यानी कि रणवीर कपूर के द्वारा दीपिका का ब्रेकअप हो चुका था। इस दौरान टूटी हुई दीपिका का दिल अगर किसी ने संभाला तो वो थे रणवीर सिंह। रणवीर ने बहुत ही अच्छे से दीपिका को सपोर्ट किया, उनकी केयर की, ये कहना गलत शायद नहीं होगा। दोनों के चेहरे से उनका सपोर्ट, उनका प्यार बखूबी नजर आता है। खुद दीपिका पादुकोण ने बताया है कि रणवीर एक ऐसे इंसान हैं जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपके ज़िंदगी में एनर्जी भर देते हैं। शायद यही कारण था कि पूरी तरह से टूट चुकी दीपिका के जल्द ही करीब वो आ गए। इसके बाद कहते हैं बाजीराव मस्तानी के सेट पे पहली बार रणवीर ने पूरी तरह से उन्हें प्रपोज किया और रणवीर के इस प्रपोजल को दीपिका ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कभी भी दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने इश्क को जग जाहिर नहीं किया। इसके बाद रणवीर को अक्सर बिना दीपिका का नाम लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा जाता रहा है। जितना असल जिंदगी में फैंस इन दोनों को पसंद करते हैं, उतना ही पर्दे पे भी फैंस इन दोनों को पसंद करते हैं। दोनों ने अब तक 4 फिल्में पर्दे पे दी हैं, जिसमें रामलीला, फाइंडिंग फैनी, बाजीराव मस्तानी और इसी साल रिलीज हुई पद्मावत। ये चारों ही फिल्में फैंस को खूब पसंद आई हैं। वहीं अगर इन दोनों की निजी जिंदगी की थोड़ी और बात की जाए तो दोनों को अक्सर अवार्ड फंक्शंस में साथ देखा जाता है। बीते लंबे समय से रणवीर दीपिका को किसी भी अवार्ड फंक्शंस में प्रपोज करने से या कुछ भी बोलने से नहीं झिझकते हैं। वहीं दीपिका का ना भी ना बोलना फैंस को उनकी हामी दिखा जाता था। कहीं ना कहीं दीपिका की ना और रणवीर की हाँ फैंस को एक बात बता चुका था कि दोनों के बीच में कुछ तो है जिसको आप ये दोनों हमेशा के लिए पूरा करने जा रहे हैं। हाल ही में कॉफी विद करण में दीपिका ने कुछ खुलासे भी किए हैं कि वो रणवीर की किन आदतों को पसंद करती हैं और किन आदतों को नापसंद करती हैं। उन्होंने बताया है कि रणवीर की केयरिंग और इमोशनल आदतें उन्हें बहुत पसंद हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि रणवीर का बेवक्त सोना और कुछ चीज़ें उन्हें ना भी पसंद हैं। रणवीर की ड्रेसिंग स्टाइल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में शादी के ऐलान के बाद इस खूबसूरत लव स्टोरी वाले कपल की शादी कहाँ होगी, इस पे भी हर किसी की निगाह है। बीते कई दिनों से ये चर्चा में है कि दोनों इटली में शादी करेंगे, लेकिन अब खबरों की माने तो दोनों मुंबई में ही शादी करेंगे। कहा जा रहा है दोनों मुंबई में ही साथ फेरे लेंगे और मुंबई और बैंगलोर में अपने दोस्तों के साथ रिसेप्शन करेंगे।
खैर फिलहाल फैंस के लिए खुशी की बात है कि जल्द ही ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी और मस्तानी बाजीराव की हो जाएगी। आज के बॉलीवुड फ्लैशबैक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों से फिर से रूबरू होंगी। तब तक देखते रहिए लोकमत न्यूज़.in।